ऑफिस में क्या कर रहे हो? हैं? काम करा, चलो पढ़ो, चलो थोड़ा पढ़ो तुम। What's up guys, welcome back to the vlog। आज हम ज्यादा व्लॉग नहीं करेंगे क्योंकि पेपर है 19 तारीख को और 18 को स्मार्ट जोड़ी का शूट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई इंजीनियर्स करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। 19 तारीख को पेपर है 10 से 1 और 18 को पूरा दिन शूट है और 18 को दो एपिसोड शूट है। जिस दिन दो एपिसोड होते हैं ना, वी स्टार्ट एट 11 AM एंड वी फिनिश बाय 1 मैक्सिमम 1:30। उसके बाद आफ्टर पार्टी भी होती है तो वो तो भूल ही जाओ, बट शूट कैसे करेंगे लगता है। जो ब्रेक में फर्रे लेके जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा फर्रे लेके, ऑन टीवी पर तमाम भाई पढ़ाई करेगा इस बार। बट एनीवेज आज फुल टाइम पढ़ाई है और बस जिम। निपटा देते पेपर प्रीवियस ईयर के और जो नया वाला पेपर कैसे करेंगे खोल देते हैं। इतना अच्छा लगता है ना नया ज्योमेट्री बॉक्स खोलना, नया सामान खोलना। खुल जाओ तो हम पढ़ते कलर कोडिंग से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिंक इज फॉर सुपर इंपॉर्टेंट। ये देखो ये वैसे तो हाँ अब पढ़ाई नहीं चल रही। मैं तो जब यहाँ बैठा था बड़े भगा भाग जाओ पढ़ने दो पढ़ने दो। यू आर ऑन अ ब्रेक ब्रेक ओ सच बता रहा हूँ पढ़ रहे थे ना। मैं जब आता हूँ तो तभी पढ़ाई करनी आती है। बताओ जब आप पापा पढ़ रहे थे ना, है ना? अरे मम्मा पेपर ऐसा ठीक है। एक चीज बताऊँ, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना एग्जाम है एक दिन पहले पढ़ते थे, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था लेकिन इसमें इंटरेस्ट आ रहा है पता नहीं क्यों। बढ़िया चीज है मम्मा। लेकिन जब भी हमारा टास्क होता था इमेजिन वाला, रशि बोलता हूँ रशि हमारे लिए प्रे करना प्लीज। मतलब मैंने प्रे किया था। यार ये माउस कब सुधरेगा रशि? क्यों रशि के गेम्स काटते हो? ओ सबूत मिल गया, सबूत मिल गया। ये देखो रंगे हाथ पकड़ा का, देखो सबूत मिल गया। देखो सबूत मतलब रशि ये इसके पास से मिल गया ना तो एविडेंस हो गया ये, मतलब इसी ने काटा क्योंकि ये भी सेम रंग का, ये भी सेम रंग का। माउ पढ़ाई करते हुए जो नींद आता ओ थैंक यू, बहुत अच्छा बना रहे थे। अभी बनाऊंगी पहले मेरे लिए, मम्मी के लिए बाद में। मुश्किल से बनाया, संभाल के रखा। हाँ बेटा मैं जान से रहता संभाल के रखूंगा मेरी जान। अब मम्मा के लिए बनाओगी? अच्छा ये डिजाइन है। अच्छा हाँ क्रिसमस। अच्छा आपने जानबूझ के किया ये? मुझे लगा से गलती से हो गया क्या बनाया मेरी बेटी ने। क्योंकि पापा आप देखोगे ना आपको लगेगा मेरी बेटी ने बनाया है। काम में रात कौन सी रोटी है? ये रशि की रोटी है। अरे वो रशि आपने स्मार्ट जोड़ी में जितने कंट्रेशन दे ना सबसे अच्छी रोटी बनाई। रशि का पकड़ी दिया। रशि खिलाएगी? रशि मामा रशि खिलाएगी? अमृत है अमृत। यम्मी यम्मी से भी ज्यादा बेटा अमृत है। मैं सुबह 9:30 बजे उठा हूँ, अभी बज रहा है 2:30। भाई साहब किताब खोलते ही ऐसी भयंकर नींद आती है, ऐसी भयंकर नींद आती है। स्कूल में तो तब भी होता था, कॉलेज में तब भी होता था, आज भी बुढ़ापे में भी ऐसा होता। तो आई थिंक यू शुड टेक सम रेस्ट गाइस। ये हमारी तीनों देखिए यहाँ पे कर रही है लंच। मैं जा रहा हूँ सोने। मम्मा दिन लंबे हो गए गर्मी में, सोना चाहिए। दोपहर के 4 बज चुके हैं। व्हाट अ नींद यार, गर्मी में जो नींद आती है भाई मजेदार। अभी उठ चुके हैं एक कुछ शूट करना घर पे, शूट करते हैं फिर जिम जाएंगे और आज शाम को जा रहे हैं हर्ष भाई के सिस्टर की शादी। जो हमारे घर पे नहीं आते, टीचर ने पहले ब्लॉग लिखा था वो तो इनवाइट करने आए थे आज। हम तो चले जिम वर्कआउट करने, वापस आए। वापस आएंगे तो रेडी रहना भाई, मैं वहाँ से फोन कर दूंगा निकलने से पहले जिम से कि मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने अपने मोटर ब्लॉक सेटअप में ये रोड का वायर लगा लिया, होपफुली साउंड बेटर आएगी और खिरपिर खिरपिर जो आती थी वो अपनी नहीं आएगी। शाबाश यार, मैं ना शॉर्ट्स पहन के वर्कआउट करना प्रेफर करता हूँ, बट अभी क्योंकि चलाते हैं बाइक गर्म हो जाती है, डर लगता है भाई जब से बाइक चिपकी है ना गर्म गर्म। पजामा पहन के जाता हूँ गर्मियों में भी, बाइक के मजे ले रहे हैं। अरे बॉय भाई साहब गिरता मैं गंदा वाला, पीछे वाला स्कीड हो गया था यार। यार इस बाइक पे गिरना नहीं है यार, ये तो बाइक भी जाएगी एक तो अच्छी खासी और मैं भी जाऊंगा। यार मुझे ये डर लगता है ये बाइक अगर किसी पे गिर गई और गर्म साइलेंसर उसके ऊपर गिर गया वो भाई वो वैसे ही लगेगी और चिपक भी जाएगा। चलो भैया ग्रीन सिग्नल है, पहले तो रुकना नहीं, किसी ने भी रुकना नहीं है यार। हाँ हार्ले वर्सेस हार्ले, लव यू ग्रेट सक्सेस जहन भाई। फिलहाल हो गया यार, एक्चुअली अपन यहाँ से भी कर सकते हैं बट अभी आगे से कटेंगे। ये भी कट लिया, वो देखो भाई साहब फ़ोन पे भी बात करो निकल भी रहा लाल सिग्नल पे। वाह गजब स्टार्ट है भाई। तो अगर आप आगे खड़े होते इतना गाइस तो यू विल सेव। देखो जैसे हो गया ना कि अब जो आगे खड़े थे उनका टाइम DT सेव। अरे माँ कसम ले लो कट गया, मोटर ब्लॉकिंग ही करते रह गए, पीछे रह गए जिंदगी में। चलो 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 भैया निकलने दो, धन्यवाद भैया। वो
हालांकि मुझे इस रास्ते से जाते हुए 2-3 दिन ही हुए, लेकिन आई एम स्टार्टिंग टू लव दिस भसर। ये मेरे जीवन का पार्ट बन चुका है ये भसर। भसर जो है ना ये मेन रोड की, अगर आप किसी और रोड से आ जाएंगे छोटी मोटी रोड, तो आप मतलब भसर इंटू 100 कर दीजिए, तो दिस इज भसर इंटू 1। यहाँ एटलीस्ट भसर है लेकिन ट्रैफिक चलता रहता है। और पीछे वाली रोड से आएंगे ना, 20 का आधा किलो, 40 का पाओ। आइए गरम समोसे, चाय, लस्सी, गन्ने का जूस। वहाँ ऐसी भसड़ है भाई, ये तो बहुत मेन रोड है। ये तो इतनी मेन रोड है कि मतलब जेई मेन से भी ज़्यादा मेन रोड है। एक तो हो गया आप बड़ी सोसाइटी में रहिए, या बहुत लोग गुड़गांव में हो जाते हैं, वहाँ पे ना थोड़ा फॉरेन टाइप का कल्चर है, खुला खुला बना हुआ है। बट यहाँ पे सारा लगता है जिंदा दिल्ली है यहाँ पे, मतलब लाइवली भसड़ है, लेकिन लाइवली है बहुत ज़्यादा। तो ये भी है कि जो आदमी भसड़ में जी लेता है ना, उसको उस कल्चर में अडॉप्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और जो वहाँ जी लेता है उसकी यहाँ पे फट लेती है। अरे भैया हमको भी निकलने दो। अरे यहाँ हम मार गए। ओहो क्या मजा आ रहा यार, इतनी धूल प्रदूषण, लंग्स को पवित्र हो गए, इतना प्रदूषण खींच लिया लंग्स में कि आज परफॉर्मेंस दिखेगी जिम में, मजा आ जाएंगे। 100 स्क्वाट मारूंगा आज। थैंक यू भाई। अरे यार तुम्हारे खाली फिर भी तुम पाँव पाँव करे जा रहे हो, हमारे आगे रास्ता रास्ता फिर भी हम शांति चला रहे। दोनों बीच को तार दिया है बीच से, ग्रेट सक्सेस। अरे वाह कितना सोना लग रहा है, न्यू ड्रेस। बैक फ्रॉम द जिम, गुड न्यूज़ कि आज सैटरडे था, तो सैटरडे में जिम में भीड़ नहीं होती, फटाफट वर्कआउट निपटा लिया, अभी तैयार होते हैं। ये देखो हमारी बंदरिया, बंदरी कितनी खुश है मम्मा न्यू ड्रेस पहन के। हाँ ये रशी की ड्रेस है। अरे ये ठीक है मम्मा, सारे छोटे पहने की ये बंदरिया लग रही है, दिखा बंदरिया हमारी बंदरिया। She's so happy, खुले ड्रेस पहन के। हाँ दीदी की ड्रेस है ये, When the real gangster arrives. Everybody is a gangster until the real gangster arrives. ये स्टार आदमी है, ये उतर गया बाइक से सिग्नल पे और उतर के इसने सिगरेट जलाई, अब सिगरेट पी के फिर बैठेगा, ये होते स्टार्ट। और घूम के आना है आगे 6 किलोमीटर आज सीधा जाना है। ये था क्या पक्का? पक्का यही था। जाके आने दे, पीता हुआ चल रहा है वो। रुक गए पीछे लोग, पलट गए उस तरफ जा रहे। देख आ, देख 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 देख, हाँ, देख कैसे चल रहा है। अरे पिया हुआ ऐसा लगे, ये गमचाई वाला था वो, यही था अल्लाह कमीना। भैया अल्लाह बोलेगा जय श्री राम, तू मजे छोड़ बोला उसको, बोला बेटा वो बहुत गंदी स्टेट में है, मैं बोल नहीं सकता। उसके बेटे को नहीं बोला, कह रहे भाई मरते मरते बच्चा है, बस बच्चा है, इसको तो मैं बताती हूँ। बेटा बच्चे बच्चे बेटा, तेरे पापा भी बस मरते मरते बचे हैं गाड़ी से, मरते मरते बचे हैं बस। ये आपके पापा ये बेटा, ये मर जाते हैं, आज बचते नहीं है, सच बता रही हूँ। इन्होंने क्या, ये गाड़ी के आगे कूद गए। चलो ये भैया आपको चिंता नहीं है क्या? जय भैया, क्या बात कर रहे हो, दारू पी क्या भगवान का नाम ले रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ जय भैया। बच्चों की तो सोचो अपनी, बच्चों की तो सोचो। हमारी गाड़ी के सामने कूद गए थे, साइड में कैसे ये लगते, हमें भी लगता, हम लोग नीचे भैया, हमें भी, हम भी जाते अंदर, सोचो आप कैसे काटे इन्होंने, मैं जानती हूँ बच्चों के साथ। दो बच्चे क्यों पे है, शुरू होता है ऐसे जब माँ बाप ऐसे करें, सच बता रहा हूँ। वो बेचारा इतना सॉरी फील कर रहा है। अरे यार बेटा बच्चों का जीवन खराब है अगर माँ बाप पिए यार। भाई मैं बता नहीं सकता क्या हुआ, हम लोग अभी साइड उस साइड जब आ रहे थे तो खाली रोड थी, मैं 70 की स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ भाई साहब, ये बंदा जो पिया हुआ है ना, कूद गया मेरी गाड़ी के सामने। आई वाज लाइक यार, मतलब इतना कह सकता हूँ, जब ये भाग रहा था ना मैंने गाड़ी ऐसे की, वो तो थैंक गॉड भगवान का पीछे मेरे कोई नहीं था भाई, ये सामने कूद गया भाई। 2 सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने ऐसा फ्लैश हुआ कि मेरी लाइफ खत्म, लाइक मैं केस में फंस गया, मैं जेल में जा रहा हूँ। रॉन्ग साइड आ रहे हैं भाई, लोग पहुंच गए भाई, लेकिन मतलब फट गई मेरी, आज मेरी फट गई। तो अभी पहुंच चुके हैं बारात में, एंजॉय करते हैं बारात, लेकिन भाई आज माता रानी ने बचाया मुझे यार। मेरे को अभी भी वो सीन याद है जब वो जैसे, एंड ही वाज वॉकिंग एट अ कांस्टेंट पेस, जब गाड़ी आपके सामने से निकलती है आप मतलब ऑलमोस्ट इतना यार थ्रेट होता है आपको, तो आप घबरा जाते हो, भागते हो।
भाई मुझे लगता है उस बंदे को पता नहीं चला कि कोई गाड़ी हुई है। मैंने ऐसे की साइड में, मेरे सारे बच्चे बैठे, ऋतु बैठी है, मतलब गाड़ी झटका भी लगा बच्चों को, मैंने हॉर्न दिया पे, वो बंदे को फर्क ही नहीं पड़ा भाई। लिटरली मेरी फट गई, मेरी चिथड़ा हो गई फट के यार। मेरे को यूटर्न लेना था, मेरा एक यूटर्न मिस हो गया, दूसरा यूटर्न मिस हो गया। तो कहती कर क्या रहा भाई यूटर्न मिस, मैंने कहा ऋतु मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी ना हार्ट बीट ऐसे तेज हुई पड़ी थी ना, मेरे साथ तो पहली बार जिंदगी में वैसा हुआ। और मुझे फ्लैश हो गया दिमाग में, अगर वो बंदा, अगर बंदा वो लगता ना भाई, वो बचता नहीं, क्योंकि 70 की स्पीड में गाड़ी में अगर कोई बंदा हाईवे पे लग रहा है, वो माता रानी ने बचाया भाई। रीच्ड होम अभी, मैं तो कुछ काम करूंगा, सुबह 5 बजे की फ्लाइट है। इवेंट हमारा कल मुंबई में 3 बजे का, लेकिन फ्लाइट सुबह 5 बजे की कराई है। ग्रेट, आई लव इट। मैं मम्मा अगली बार से ऐसी करा करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह। लेकिन हमें अभी तक यकीन नहीं हो रहा जो हमारे साथ हुआ भाई। मतलब आज जस्ट बचे हैं और वो बंदा, मतलब वो भी बचा और हम भी बचे भाई। मतलब अभी तक मुझे ना शायद ये इमेज पता कैसे मैं करता वो फॉल से। And he was running with a constant speed. And I still remember that. वो image मेरी अभी भी है जब ऐसे था मेरी गाड़ी, मैंने गाड़ी ऐसे की भाई, जस्ट बच्चे। चलो गाइस कल मिलते हैं आपसे, कल जा रहे मुंबई, अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल। अब मैं एडिटिंग कैसे करूँ समझ आ रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स भी आ रहे हैं 3-4 लोग फिर पैदा हो गए।